सो वेलकम बैक टू अवर सीरीज कॉल्ड म्यूजिकल बाइट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा सॉन्ग जो कि अपने टीजर से ही बहुत ज़्यादा हिट और पॉपुलर हो चुका है ऑलरेडी, और अब उसका ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉन्ग केसरिया की, जो कि है ब्रह्मास्त्र मूवी से और जिसको गाया था लेजेंड अरिजीत सिंह ने। और आज इस वीडियो में आपको इस सॉन्ग का बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको ओपन कॉर्ड्स, ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न, सब कुछ ईजी होने वाला है। और इससे पहले अगर आपने गिटार नहीं भी प्ले किया या प्ले करना चाहते और ये सॉन्ग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना कहीं से भी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर ले, प्रेस कर ले बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको आपके फोन पे मिलते रहें। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं फ्रंट रो यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फटाफट से जान लेते हैं कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग के बारे में। इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चार कॉर्ड्स आने चाहिए। वैसे तो ये सॉन्ग बार कॉर्ड्स पे भी काफ़ी प्ले हुआ है, बट हमने जैसे कि पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये इस सॉन्ग का आपके लिए बहुत इजी वर्जन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चार कॉर्ड्स आपको सिखाऊंगा, उनमें से अगर आपको नहीं भी आता है तो हम सेकेंड वर्जन भी आपको सिखा देंगे, जो कि और भी ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले आपको ओपन कॉर्ड्स मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहला कॉर्ड जो आपको आना चाहिए सॉन्ग को प्ले करने के लिए, अगर आप ओपन में प्ले करना चाहते हैं, तो वो है सी मेजर। सी मेजर के लिए आपको डायग्राम साइड पे शो हो रही होगी कैसे आप सी मेजर प्ले कर सकते हैं। ये आपकी आपकी डायग्राम रही, आपको ऐसे फिंगर प्लेस करनी है। तो ये फर्स्ट कॉर्ड रहेगा आपका सी मेजर, सेकंड कॉर्ड आपका रहेगा ई माइनर। ई माइनर सेकंड कॉर्ड रहेगा, ये भी बहुत इजी है। थर्ड जो कॉर्ड है ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आप ये सीख लेंगे। एफ मेजर, ये ओपन एफ मेजर शेप है, यहाँ आप बार में आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। जिनको बार नहीं आता एफ मेजर वो आप ओपन प्ले कर सकते हैं ऐसे करके। एंड फोर्थ जो कॉर्ड है वो मेरा है जी मेजर। तो ये चार कॉर्ड्स पे ये सॉन्ग आप प्ले कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। सी मेजर हमारा फर्स्ट कॉर्ड था, सेकंड कॉर्ड है ई माइनर, थर्ड कॉर्ड है एफ मेजर एंड फोर्थ कॉर्ड है मेरा जी मेजर। ये चार कॉर्ड्स अगर आपको आते हैं प्ले करना तो आप ये सॉन्ग ओपन में भी बहुत इजीली प्ले कर सकते हो। बट अगर आपको इसमें से कोई भी कॉर्ड नहीं आता है या आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कैपो आपको प्लेस कर लेना है आपके फिफ्थ कॉलम पे, फिफ्थ फ्रेट पे, जहाँ पे ये ऊपर मार्क होता है ना, ये फिफ्थ फ्रेट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको प्लेस कर लेना है ऐसे करके। अब आपको ये सारे कॉर्ड्स आप देखोगे कितने ज़्यादा ईजी बन जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, मेरा वन कॉर्ड ट्रिक वाला जो है वो इसमें आ जाएगा। और इसमें हमने इस सीरीज़ में ऑलरेडी वन कॉर्ड ट्रिक पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हमने कवर किए हुए हैं, तो आप चाहो तो इन कॉर्ड्स पे और भी ज़्यादा सॉन्ग सीख सकते हो, बट फिलहाल अभी हम इसी सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। तो सी मेजर आपका, अगर आप फिफ्थ फ्रेट पे कैपो लगा लेते हो तो सी मेजर आपका कन्वर्ट हो जाता है जी मेजर शेप में। तो जी मेजर शेप हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, बस आपको ये शेप आपको ऐसे ही रखनी है, आपको आपके हाथ की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ जी मेजर शेप पे रखना है। और आपको इसी ट्रिक के साथ आपको चार कॉर्ड्स प्ले करने हैं। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉर्ड है जी मेजर। अब क्या करना है, आपने सेकंड कॉर्ड के लिए आपको यहाँ से फिंगर उठा के इंडेक्स फिंगर के नीचे वाली स्ट्रिंग पे रख लेना है, जो कि है सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग। ये कॉर्ड बनता है हमारा ई माइनर सेवन, इसको ई माइनर सेवन बोलते हैं। और थर्ड कॉर्ड जो है वो भी बहुत ईजी है। थर्ड कॉर्ड के लिए अगेन हम फिर से जी मेजर की शेप ले लेते हैं। अब ये फिर से जी मेजर आ गया। अब थर्ड कॉर्ड के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों फिंगर्स को एक एक स्ट्रिंग नीचे कर देना है ऐसे। तो ये बनता है आपका सी एड नाइन। क्या था, ऐसे था और हमने ऐसे कर दिया, नीचे दो वाली फिंगर्स वो रिमेन सेम रहेंगी। एंड फोर्थ जो कॉर्ड है उसके लिए क्या करना है, आपने मिडल फिंगर को उठा देना है और आपने इंडेक्स फिंगर उठा के सेकेंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पर लेके जाना है। तो ये है डी सस्पेंडेड फोर। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको आप इस सॉन्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। वैसे आप इसको ओपन में प्ले कर सकते हैं, बट उसमें अगर आपको एफ मेजर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप ये कॉर्ड्स भी प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग के बारे में। स्ट्रमिंग इसमें दो पैटर्न्स मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला जो पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप। तो ये इसको अगर मैं रिदम में प्ले करूं कैसे प्ले करेगा,
टेम्पो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड स्ट्रमिंग के बारे में अगर बात करूँ तो वो है बहुत ही यूजुअली मैं हर एक ही मतलब मैक्सिमम सॉन्ग्स में प्ले करता हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। तो ये स्ट्रमिंग भी आप इस सॉन्ग के लिए प्ले कर सकते हैं अगर आप बहुत ही ईजी वे में इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारे लेसन्स होंगे यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो फटाफट से अब आप देखिए हमारा कवर वर्जन और आप बताइए आपको ये चीज़ कैसी लगी। अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्रंट रो के, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस सब कुछ आपको मिलता है। लाइव क्लासेस में ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस और हमारे जो भी कोर्सेस हैं। और फिलहाल अभी आप हमारा कवर इन्जॉय कीजिए। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाई से लिखी है तूने सरिया, तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, बिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर बनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चिनारों जैसी, जिनके सन्नाटों में तू बिना के तारों जैसी, तो फुल जड़ियों जैसी त्योहारों जैसी, चंदा भी दीवाना है तेरा चलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया बीते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको काफी मजा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का अपना एक कवर कहीं पे भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं फ्रंट रो को, सो वी विल रिपोस्ट योर वीडियो एज वेल। और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। Thank you.